बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की मथुरा से। यहाँ ड्रग विभाग और पुलिस ने छापेमारी की है। बता दें कि छापेमारी के दौरान 10 लाख रुपए की अवैध दवाएं पकड़ी गई हैं। वही ड्रग विभाग ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। बताते चले कि दवाइयों की खरीद बिना बिलिंग के हो रही थी, वही दवाइयों की जांच में ड्रग विभाग जुट गया है। ये पूरा मामला प्रीति विहार कॉलोनी के थाना जमुना पार का है। ताला खुलवाने के बाद जब अंदर गए तो अंदर वहाँ पे 4-5 कमरे बने हुए थे, 5-6 कमरे, सबका ताला खुलवाया गया। एक कमरे में एक दीवार की रैक पे औषधियाँ रखी हुई थी, उसमें कुछ आयुर्वेदिक थी, कुछ विटामिन थे, कुछ एलोपैथिक औषधियाँ थी। तो जो भी एलोपैथिक औषधियाँ थी उसमें से हमने 3 जांच हेतु नमूने लिए गए वहाँ से, और बाकी उनसे लाइसेंस मांगा गया। लाइसेंस मौके पर प्रस्तुत नहीं किया गया, कोई बिल बुक प्रस्तुत नहीं किया गया, कोई परचेज बिल प्रस्तुत नहीं किया गया, जो कि औषधियों प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 नियमावली 1945 का उल्लंघन है, जिसमें हमने समस्त एलोपैथिक औषधियों को सीज किया। इस वक्त की बड़ी खबर ड्रग विभाग और पुलिस की छापेमारी से जुड़ी हुई, सीधे मथुरा से।